हिस्ट्री सीटर बदमाश रिप्टा नया मोहल्ला ओमती निवासी अब्दुल रजाक के कब्जे से एक और शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। माफिया ने अपने रसूख के दम पर NH-12 से लगे 2.5 एकड़ से अधिक की रास्ते वाली जमीन को फेंसिंग कर कब्जा कर लिया था। पुलिस और प्रशासन संयुक्त अमले ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर आरोपी से शासकीय जमीन को खाली करा लिया है। कलेक्टर इलैया राजा, SP सिद्धार्थ पहुगुड़ा और निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ की अगुवाई में कार्रवाई की पूरी रणनीति तय की गई। वहीं सुबह DSP ग्रामीण अपूर्वा किलेदार और तहसीलदार के मार्गदर्शन में तहसीलदार श्यामा चंदेले के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम JCB के साथ कार्रवाई को पहुंची। NH-12 से गौर जमतरा के लिए जाने वाले रास्ते पर हिस्ट्री सीटर बदमाश अब्दुल रजाक ने सीमेंट के पोल गाड़ कर तार की फेंसिंग करते हुए करीब 2.5 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने कब्जे को हटाने के बाद रास्ते को खुलवाया। वही दूर डेयरी से हिस्ट्री सीटर बने रजाक के खिलाफ अवैध वसूली, बलवा कर मारपीट करना, आर्म्स एक्ट, वन्य प्राणी अधिनियम और हथियारों से लैस होकर हत्या करना, धोखाधड़ी जैसे कई प्रकरण भी दर्ज है। जमीन गुरैया घाट में जिसपे फेंसिंग लगा के और पूरे मार्ग को अवरोध करके अतिक्रमण कर दिया गया था। इस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है और ये जो जमीन है अब्दुल रजाक की, इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और रास्ता बंद कर दिया गया। ये अब्दुल रजाक कौन है, क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है? आपको मिल जाएगी जानकारी अपने शब्द में। यहाँ का तो ये मामला है कि ये जो मार्ग है, ये शासकीय मार्ग है और ये NH जो नेशनल हाईवे वहाँ से कनेक्ट होता है, स्पिन के द्वारा अतिक्रमण करके पूरा ही अवरोध कर दिया गया था, जिसको आज संयुक्त कार्रवाई से इस पर। कितनी की जमीन यहाँ मुक्त कराई गई है? इसकी कीमत 13 करोड़ रुपये बता रही है और वन ग्राम गुरैया घाट में शासकीय मध्य रास्ते में अब्दुल रजाक के द्वारा फेंसिंग लगाकर रास्ते को रोका गया था। उस रास्ते को खुलवाया जा रहा है। उक्त रास्ते के का मूल्य लगभग 1,30,00,000 रुपए करीब है, जो कि हाईवे से लगा हुआ है, उसको उन्होंने रोक के रखा हुआ है।